सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जा रहे हैं एक अपने भाई के लिए सेकंड हैंड कार देखने के लिए, तो देखते हैं हमें कौन कौन सी कार देखने को मिलती है। और इस समय हम रास्ते में हैं, सो कीप वॉचिंग। सो गाइस, जो फर्स्ट कार है हमारे सामने वो है वैगनार 2015 मॉडल, और अंदर से देखते हैं इसका कप होल्डर थोड़ा सा लूज है। स्टीयरिंग की बात करें, ये आपकी सीएनजी फिटिंग में मिल रही है आपको, कंपनी फिटेड सीएनजी है इसमें। सीट थोड़ी सी पीछे कर लेते हैं, थोड़ी सी टाइट हो रही है सीट। वैगनार अलग ही एक अपना दबदबा बनाए हुए मार्केट में, मारुति की एक बहुत ही जानदार गाड़ी है। स्पेस की बात करें तो काफ़ी अच्छा स्पेस है इसमें, काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाएगा, आप आराम से इसमें अपनी फैमिली के साथ कहीं भी जा सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं। टायर्स की बात करें इस कार के, तो इसके टायर्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, काफ़ी गुड क्वालिटी के टायर्स हैं इसमें, आप देख सकते हैं। और इसका बम्पर वगैरह जो है वो भी इसका काफ़ी सही कंडीशन में है, डिक्की शायद लॉक है इसलिए ओपन अप नहीं हो रही है। और पेंट वगैरह भी इसका काफ़ी जेन्युइन क्वालिटी में ही है इस समय, बिल्कुल भी ये फ्रेश गाड़ी है। लाइट्स वगैरह भी सही कंडीशन में है, पेंट वगैरह कहीं से भी इसका डैमेज नहीं है, गाड़ी बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में खड़ी हुई है। चलिए आगे बढ़ के देखते हैं और गाड़ियाँ कौन सी हैं। ये वही वैगनार है जिसके अभी मैं दिखा रहा था। आफ्टर मार्केट स्टीरियो सिस्टम लगा हुआ है इसमें। साइड गेट की बात करें तो इसकी जो पावर विंडोज हैं फ्रंट में, बैक की बात करें तो बैक में आपको मैनुअल विंडोज मिलेंगी जिन्हें आपको हाथ से ही चढ़ाना पड़ेगा। स्पेस काफी अच्छा है इस कार में, हाइट भी काफी अच्छी है इस कार की। अगली कार की बात करें तो ये है फोर्ड की फीगो, ये 2014 मॉडल है गाड़ी, ये भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, पेंट वगैरह इसका काफ़ी अच्छा है, जेन्युइन पेंट है इसमें, डैमेज नहीं है कार बिल्कुल भी। और बैठकर देखें तो काफ़ी कंफर्टेबल कार है, ड्राइविंग पोस्चर काफ़ी अच्छा आता है इसमें, व्यू एंगल भी ठीक है, काफ़ी स्पेशियस कार है फोर्ड की फीगो, गियर काफ़ी स्मूथ है, ग्लव बॉक्स में काफ़ी जगह है इसमें। सीट कवर्स की बात करें तो सीट कवर्स में इसमें लगभग न्यू से ही हैं, और टच स्क्रीन है इसमें 7.5 इंच की। और इसका जो बैक है वो भी काफ़ी अच्छा है, बैक में चल कर देखते हैं। इसके डिग्गी का बटन, शायद डिग्गी का बटन आगे से खुलेगी, ये पीछे इसका लॉक नहीं है, आगे से इसको हमें खोलना पड़ेगा। एक हाथ इसका स्टेयरिंग के पास में इसका बटन होता है, स्टेयरिंग के पास इसका बटन है। एक और कार हमें देखने को मिल गई है, ये है निसान की माइक्रा। माइक्रा काफ़ी अच्छी कार मानी जाती है, एक बजट फ्रेंडली एक अच्छी कार है आपकी। इसमें आप देख सकते हैं इसका जो डैशबोर्ड है वो काफ़ी क्लीन और स्वीट सा है। एसी वगैरह है, फ्रंट में पावर विंडोज़ भी हैं इसमें, बैक में भी पावर विंडोज़ हैं इसमें। बैठकर अगर इसमें देखें तो आपको लेग स्पेस ओके ओके मिल जाएगी, थोड़ी सी पीछे करेंगे तो काफ़ी अच्छा लेग स्पेस मिल जाएगा इसमें आपको, गियर्स स्मूथ हैं इसके भी। इसका ग्लव बॉक्स खोल कर देखें तो ग्लव बॉक्स थोड़ा छोटा है बट ओके है। इसमें पुश स्टार्ट बटन है, यानी कि स्टार्टिंग आपको की से नहीं, कीलेस स्टार्टिंग है इसमें।
म्यूज़िक सिस्टम आपको इसमें कंप्लीट फिटेड मिल रहा है। पीछे की तरफ चल के बात करते हैं, अगर पीछे की बात करें तो पीछे का लेग स्पेस बैठ के देखते हैं। लेग स्पेस इसमें ओके है, हमने सीट आगे से पीछे भी करी थी तब भी इसमें अच्छा लेग स्पेस मिल रहा है, पीछे बैठने वाले को काफ़ी आराम रहेगा। हेड स्पेस की बात करें, हेड स्पेस भी अच्छा है इसमें, और पीछे की तरफ वालों के लिए भी इसमें विंडो सीट्स हैं, विंडो पावर विंडो दे रखे हैं इसमें। टायर्स की कंडीशन में काफ़ी अच्छी लग रही है इसकी। एक गाड़ी और है हमारे पास, ये है i20, 2015 मॉडल है ये भी। गाड़ी का जो कलर वगैरह वो काफ़ी सोबर है, सॉरी 2014 मॉडल है, और 43,898 किलोमीटर चली हुई है डीजल में, और 285 की डिमांड है। थोड़ा और डिस्काउंट हो जाएगा भाई हमारे बता रहे हैं। अंदर जाकर देखें तो i20 एक अच्छी कार है, फैमिली कार है, कंपनी फिटेड, इसमें आपको म्यूजिक सिस्टम मिल रहा है। सीट्स की बात करें तो काफ़ी अच्छी सीट्स हैं, प्रीमियम सीट्स लग रही हैं इसमें, कुशन वगैरह सही है, और पीछे भी आपको पावर विंडो मिल रही हैं। गाड़ी काफ़ी अच्छी लगती है अंदर से, अंदर से क्या चार हर साइड से ही गाड़ी अच्छी लगती है। ये आपका आस्टा मॉडल है। सो गाइस, हम लोग तो कार देख ही रहे हैं, अगर आप लोगों को इनमें से कोई कार अच्छी लगे तो आप हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको ये कार अच्छी डिस्काउंट पे मिल जाएगी।